रास्ते में खड़े होंगे। इमरान खान आज कह रहे हैं एहतजाज कभी रोका नहीं जाता, ना ही परसों इसको रुकना चाहिए था, ना ही कोई चीज कॉल ऑफ की जाती है, ये पहले आप क्लियर हो जाएं। अब जो एहतजाज होगा वो नहीं रुकेगा। जमान पाक वो वक्त था जहां पे 30 घंटे हमारे घरों के अंदर टियर गैस की शेलिंग हुई थी, ना उन्होंने बुजुर्ग देखे ना बच्चे देखे, घरों के अंदर शेलिंग हो रही थी। परसों पिंडी में लोगों के घरों में शेलिंग हो रही थी, लेकिन आपको मैं ये बता दूं वहां बच्चे बुजुर्ग उन्होंने अपने घर खोले हुए थे, लोगों को वो पानी दे रहे थे, लोगों के साथ एहतजाज में शामिल थे। और इंशाल्लाह आगे हमारे एहतजाज जारी रहेंगे। हमें इमरान खान बाहर चाहिए, ये बड़ा क्लियर हो जाए। इस सब के लिए हमें अदलिया आजाद चाहिए, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है कि हम इमरान खान और बाकी जितने कैदी हैं उनको बाहर निकाल सकें। इंशाल्लाह आपको पता है कि परसों मुल्तान, फैसलाबाद और मियांवाली में एहतजाज है, बहावलपुर भी है, बहावलपुर भी शामिल है इसमें। आज मेरे ख्याल में इमरान खान ने उसको भी शामिल किया है। तो ये चार जगहों पे एहतजाज है। लोगों का एहतजाज करना उनका आईनी हक है, और कोई भी पाकिस्तान में लोगों का आईनी हक नहीं छीन सकते।